मालेगांव के अंदर वापस से कोरोना नामी बीमारी जो है वापस से फैल रही है और पेशेंट हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर कॉरपोरेशन की क्या कारकर्दगी है? जो आपने सवाल पूछा है सही है, बहुत पेशेंट अभी मालेगांव महापालिका के पश्चिम क्षेत्र से आना शुरू हो चुका है। पिछले 5-7 दिनों में 300 के करीब पेशेंट आ चुके हैं, तो उनके हिसाब से जो मालेगांव महापालिका ने व्यवस्था करनी थी वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार है, लेकिन हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है डॉक्टर्स की कमी है, उसके कारण अपनी क्षमताएं कम पड़ रही है। तो इस हिसाब से जिस तरह गवर्नमेंट इसमें आगे आके कोरोना के लिए एक अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं उनकी भी उनमें जिम्मेदारी है, और उसके हिसाब से आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था ये था कि जो 7 हॉस्पिटल्स हैं जो महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में रजिस्टर है, उनके ये बंधन कारक है कि वो कोरोना के जो भी रुग्ण हैं तो उनको वो एडमिट करें, उनके उपचार करें। ये कौन से 7 हॉस्पिटल है इसके बारे में हमारे आरोग्य अधिकारी महोदय आपको जानकारी देंगे। गुड आफ्टरनून, आपने मालेगांव में जो 7 जीवनदाई में जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उसमें से एक हॉस्पिटल जो है प्रयास हॉस्पिटल है, दूसरा जो है 6 सिग्मा हॉस्पिटल, तीसरा वाला हार्ट एंड सोल हॉस्पिटल, चौथा समर्थ हॉस्पिटल, पांचवा नागराज हॉस्पिटल, छठा धन्वंतरी हॉस्पिटल और 7वां जो है वो सामान्य रुग्णालय जो अपना जनरल हॉस्पिटल है, वो ऐसे 7 हॉस्पिटल जो है अपने पास मालेगांव में रजिस्टर्ड है जीवनदाई के अंदर। तो इसमें कोविड के पेशेंट उन लोगों को लेना कंपलसरी रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है। इसलिए तो मालेगांव की पब्लिक जो हमारी जो दिक्कतें थी, जैसे कि सर ने बताया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार है लेकिन मैन पावर नहीं होने की वजह से हम लोग वो वर्क नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम जो है ये लोग अगर एडमिट करते हैं तो अपना बहुत सारा लोड जो है वो कम हो जाएगा और पेशेंट वहाँ पे जाके एडमिट हो सकते हैं। ये जैसे क्या हो जाए मालेगांव के तो पैटर्न बनता, उसके बाद फिर मालेगांव में पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, क्या हो जाए आपके सामने? देखिए अभी के जो पेशेंट हैं वो पश्चिम भाग में, पहले के जो थे अप्रैल मई जून में वो पूर्व भाग से थे, तो ये जो पेशेंट आए तो उसके 2-3 कारण जैसे बताए जाते हैं कि एक तो श्रावण महीना था उसमें सबके फास्ट चल रहा था, तो फास्टिंग में वो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाना खाते थे, प्रोटीन कम हो गया है ना, और जो भी थे ज़्यादातर वो मारवाड़ी और जैन कम्युनिटी थे, उनके जो है जो विवाह थे पूर्व भाग से चलते आ रहे थे तो उसमें भी उनका आदान प्रदान हुआ। पूर्व भाग के जो अपने लोग हैं उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा है तो उसको सस्टेन कर पाते हैं, लेकिन जो वहाँ इनके पास चला गया तो उनकी इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं और फॉरवर्ड में उतना रहता नहीं है, तो उसके कारण वो फैलाव ज़्यादा हुआ होगा ऐसा हम सबका थोड़ा सा अंदाज़ा है। इसलिए हम लोग जनता को यही आह्वान कर रहे हैं कि जो व्यापारी वर्ग जो है वो आइसोलेट रहे घर में जाके भी, दिन भर काम करके वो अगर घर में जाते तो उन्होंने तुरंत अलग रूम में रहना चाहिए, आइसोलेशन खुद को करना चाहिए ताकि फैमिली उनके प्रति बाधित नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने खुद की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की। तो कहीं ना कहीं वो एक ही फैमिली से जो लोग आ रहे हैं उसके लिए रोकथाम लगाने में अपन कामयाब हो सकते हैं। अभी वही हो रहा है कि जो व्यापारी वर्ग है जैसे कि सन्नी में मारवाड़ी उज्जैन ये लोग ये व्यापार करने के लिए आते हैं, मास्क इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे, दोनों को मास्क नहीं कर रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टेड हो रहे और इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो खुद इन्फेक्टेड हो रहे और घर जब जा रहे तो खुद अलग नहीं रह रहे, तो उसकी वजह से और फैमिली भी इन्फेक्टेड हो रही, इसलिए अपना नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे, तो वो उन्होंने करना चाहिए। होम आइसोलेशन में जैसे कि उन्होंने कुछ रियायतें बरतनी चाहिए, जैसे कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, लेकिन उतने एहतियात नहीं बरती जा रही है, ऐसे हमारे एहतियाती तदाबीर पर अमल जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी इसमें है कि एक ही फैमिली के 5-5, 6-6 लोग अचानक से पॉजिटिव आ जा रहे हैं। पिछली मरतबा हमने देखा कि कॉरपोरेशन ने बहुत मेहनत की लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ कि शहर के अंदर 1200 से ज़्यादा का आंकड़ा मतलब डेट हो चुकी है, तो क्या इस मरतबा मतलब तैयारी कॉरपोरेशन की मुकम्मल है लड़ने के लिए या इस मरतबा भी ऐसे कुछ होने वाला है? पिछले बार भी हमारी तैयारी थी, इस बार भी है, 1200 इतनी डेट नहीं है, डेट शायद टोटल 90 डेट। सरकारी आंकड़े में जो है वो है लेकिन शहर के अंदर उस वक्त 1200 से ज़्यादा मौत हुई है, लेकिन उसमें जो हॉस्पिटल भी मतलब फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाई है,
हॉस्पिटल बंद हुए, कोई हॉस्पिटल ने उनको एडमिट नहीं किया, कोई हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर्स नहीं आए। उस वक्त वैसा एक दौर था कि सब डरे हुए थे, तो बाद में अपन ने डायरेक्शन दे, सब डॉक्टर की मीटिंग ली और फिर सबको दवाखाना शुरू करने को बोला। तो अभी हम पूर्व में जाते हैं ना, तो डॉक्टर बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, तो पूर्व भाग में अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा। हमारा पूछना वही है कि मतलब इस मरतबा महामारी वापस से मतलब बढ़ रही है, तो डॉक्टर्स मतलब क्या इस मरतबा भी घर बैठेंगे या मैदान में रहेंगे? इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ये जो 7 हॉस्पिटल है ये तो करेंगे ही करेंगे। बाद में हमने प्राइवेट हॉस्पिटल की भी अब हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको भी शुरू करना है, 80-20 का जो रेशो है उनको बरकरार रखना है। और अगर इसमें अगर कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर्स मतलब अगर बंद रखते हैं तो उसके खिलाफ़ क्या एक्शन लिया जाएगा? खिलाफ के लिए हम एक समिति तैयार की है, मैडम आपको बताएंगे कि हर प्रभाग के समिति मेंबर्स और अध्यक्ष कौन है। जैसे प्रभाग क्रमांक 1 में प्रभाग चारों प्रभाग में समिति बनाई गई है, उसमें एक प्रभाग अधिकारी, एक पुलिस डिपार्टमेंट से और एक मेडिकल ऑफिसर से, 2 या 3 मेडिकल ऑफिसर है, ऐसी कमेटी बनी हुई है। तो वो जाके विजिट करेंगे, सही में पेशेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे ये चेक करेंगे। अगर ऐसा हम लोगों को ये पता चलता है कि वो लोग नहीं ले रहे तो बिल्कुल कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर, और उसके लिए महापालिका तैयार है। तो और इसमें हम नंबर भी देने वाले नंबर और पब्लिक को अगर दिक्कत आते हैं तो यहाँ पे प्रभाग अधिकारी उनका भी नंबर है, डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग पूरा, मेडिकल ऑफिसर का भी नंबर है और पुलिस डिपार्टमेंट का भी नंबर रहेगा। तो पब्लिक वहाँ पे उन लोगों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती है कि हम लोग को ये दिक्कत आ रही है। अभी तक कितने टेस्ट हुए, कितने पेशेंट पॉजिटिव आए, उसमें कितने रिफर हुए? पेशेंट जो है 2007 कल तक का रिपोर्ट है अपने पास, कल शाम तक का। उसके बाद टेस्ट जो हुए वो सबसे ज़्यादा टेस्ट अपने मालेगांव में हो रहे हैं, 14,557 टेस्ट हुए, उसमें से पॉजिटिव है 2007 आए हुए, नेगेटिव जो है 12,292 है और पेंडिंग रिपोर्ट अपने पास 248 पेंडिंग है, वो आजकल में वो रिपोर्ट भी आएंगे। आज की तारीख में हमारे पास कितने पेशेंट हैं मतलब जो कोरोना से, आज की ताज़ा रिपोर्ट में? टोटल होम आइसोलेशन में 406 पेशेंट है, उसके बावजूद एडमिशन जो है 188 की है, इतने पेशेंट अपने पास है आज की तारीख। अभी आपने कहा कि इस भाग में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो उस पर सवाल उठ रहा है कि अगर इस भाग में दिक्कत है तो इस तरफ लॉकडाउन लगाने की क्या ज़रूरत है, इधर कारोबार को क्यों मार दी जा रही है? नहीं, पूर्व भाग में लॉकडाउन है ही नहीं है, वहाँ पे कंटेनमेंट जोन भी बहुत कम है, 10-12 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन है ही नहीं, सब कम है। तो कंटेनमेंट जोन का जो क्राइटेरिया है वो 28 दिन के बाद वो बंद होता है, इसलिए वो अभी तक पूर्व भाग के चालू है, जैसे जैसे 28 दिन होंगे वो कम होते जाएंगे। लास्ट पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद 28 दिन रहता है वो, तो वो खत्म हो जाएंगे सर। नहीं, जिस तरह उस तरह तो शाम से लॉकडाउन की मतलब सारे दुकानें कारोबार बंद कर दिए जाएंगे, उस पर सवाल उठ रहा है कि इस तरफ तो कोई मसला नहीं है, पेशेंट नहीं है, तो पूर्व भाग में अपन लॉकडाउन करने ही वाले नहीं है, लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ जो है ना कंटेनमेंट का, वो सिर्फ पश्चिम भाग में है, जो अभी हम नया बना रहे हैं ना उसमें सब वेस्ट साइड में ही ज़्यादा है। लेकिन कल तो हमने देखा कि पुलिस की गाड़ियां घूमकर कुसुम्बा रोड इलाके के ऊपर भी दुकानों को बंद किया गया। वो अलग इशू है, वो जो है ना संचारबंदी का है, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का, क्योंकि क्या है ना त्यौहार भी आ रहे हैं और उसमें कोरोना भी बढ़ गया है, तो इस हिसाब से सब पे थोड़ी सी एहतियात के तौर पे उन्होंने संचारबंदी लगा दी। अच्छा, आप शहरियान में थोड़ा सा लोगों में डर है इसको लेकर? बिल्कुल मन डर है, और वेस्ट साइड में तो डर कभी था ही नहीं है, तो अभी तो उन्होंने डर लेना ही नहीं है, मतलब उल्टा कोरोना उनसे डरता है। नहीं, कोरोना को लेकर डर नहीं है, जो संचारबंदी चल रही है, जो बंद मतलब हो रहा है, बिल्कुल देखिए जो भी है ना वो हमारे फायदे के लिए ही है, और उसमें ये है कि जो प्रॉब्लम जाने वाले हैं उनको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिक्कत किसी बात की नहीं, किसी के रोजगार में किसी कुराड़ी नहीं मारी जा रही उसमें। त्यौहार को लेकर बात की आपने, तो अभी गणपति विसर्जन के लिए क्या गाइडलाइन है? गणपति विसर्जन के लिए बहुत सारी गाइडलाइन है, जैसे कि गणपति की मूर्ति सार्वजनिक जगह पे 4 फीट की रहेगी, घर में 2 फीट की रहेगी, आरा साफ नहीं कर सकते हैं, कंटेनमेंट जोन में गणपति नहीं बिठा सकते हैं, फिर आपको DJ बैंड वगैरह कुछ भी लगाना नहीं है, फिर उसमें ज़्यादा से जायरातबाजी वगैरह नहीं करनी है, और उनको जो विसर्जन करना है जो कॉरपोरेशन डिसाइड करने वाली 13 से 15 जगह उसी जगह पे आके उनको विसर्जन करना है, उनको बड़ी मिरूरूप नहीं निकालनी है, उस बार मिरूरूप वो नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस है उसमें, तो ये उसकी प्रमुख गाइडलाइन है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।